सुमन गुरु नानक बस्ती से बिशप जी की ये गवाही है। ये बहन 4 महीने पहले सीढ़ियों से गिर गए थे, जिसके कारण एक पैर की हड्डी टूट गई थी। जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। फिर इन्होंने बिशप जी से प्रार्थना करवाई, उसके 2 दिन बाद ही ये बहन का पैर बिल्कुल ठीक हो गया। हालेलुया। इनकी दूसरी गवाही है कि प्रभु में आने से पहले इस बहन के एक घुटने में दिक्कत थी, जिसके कारण घुटने में रेशा पड़ गया था। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और फिर कहा कि ऑपरेशन के बाद आपको सहारा लेकर चलना पड़ेगा। और वैसे ही हुआ, इन्होंने ऑपरेशन करवाया, पर इन्हें सहारा लेकर चलना पड़ता था। फिर इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये बहन चमत्कार चर्च में आए। आप बिशप जी से लहर प्रार्थना करवाई, उसके बाद यह बहन बिल्कुल ठीक है। ये बिना सहारे के चलने लगे हैं, इसलिए ये बहन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी को जय मसीह की, बिशप जी को जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि मैं 3-4 महीने पहले की बात है, मेरे ससुर की डेथ हो गई थी, तो मैं पेड़ियों से नीचे गिर गई, 4 पेड़ियों से, और मेरे गिट्टे में इतनी ज़ोर से चोट लगी थी, हड्डी टूट गई थी। मेरा बेटा गोदी में उठा के मेरे को लेके गया था और एक्सरे करवाया तो उसमें हड्डी टूटी हुई थी। ये एक्सरे है जो हड्डी टूटी वाला है? हाँ जी। तो फिर मैंने 4 दिन तक तो मैं घर पे ही थी, और 5वें दिन वीरवार की मीटिंग में जाके मैंने विषभ जी से प्रार्थना करवाई, और मैंने कहा मैं तेल नहीं लगा सकती। घर पे आके मैंने चक्कू से घर पे ही पट्टे को काट दिया था, और विषभ जी से जो प्रार्थना करवा के मैंने अभिषेक वाला तेल लगाया तो परमेश्वर ने दूसरे दिन ही मचरने लगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो जहाँ हड्डी टूटी वहाँ उन्होंने पट्टा बंधा था? हाँ जी, पट्टा बंधा हुआ था मेरे पूरे घुटने तक। घुटने पे? हाँ, घुटने तक बंधा हुआ था जी पापा जी, यहाँ से लेके गिट्टे की हड्डी टूट गई थी मेरी। ओके। हाँ जी। तो फिर आपने उसको काट दिया? हाँ, मैंने जैसे ही आपसे प्रार्थना करवाई थी फिर घर पे आके मैंने और पट्टे को काट दिया था चक्कू से, मेरे बेटे ने काट दिया था। मैंने कहा मैं तेल ही नहीं लगवा सकती फिर अभिषेक वाला, फिर मैंने तेल लगाया थोड़ा थोड़ा। उस दिन तो दर्द हुआ था, 3 बजे घर पे आई थी मैं, प्रार्थना समाप्त हुई थी, और सुबह तो मैं बिल्कुल अच्छे से चल रही थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं। और पहले दूसरी गवाही मेरी है, अभी मैं प्रभु में आने से पहले जब मेरी बहुत तबीयत खराब थी, मेरे घुटने में दर्द होता था, दर्द होते होते मेरे रेसा ही पड़ गया था घुटने में, और डॉक्टरों पे बहुत हॉस्पिटलों में चेक करवाया था मेरे को, तो कहते हैं भाई इसका पैर ही काटना पड़ेगा। मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी उस टाइम, लेकिन मेरे को किसी ने कहा था कि तू प्रभु से बोल ले कि अब तक तेरे को शायद चंगा कर दे, तो मेरे को समझ नहीं थी। मैंने कहा प्रभु भाई मेरा पैर सही हो जाए, ऑपरेशन करें लेकिन मैं चलने लग जाऊँ। डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएगी, बिल्कुल सीधा ही रह जाएगा इसका पैर। फिर ऑपरेशन हो गया, उसके बाद में वही हो गया था, मैं चल नहीं पा रही थी बिल्कुल ही। और जैसे ही मेरे को प्रभु के बारे में किसी ने बताया, मैं चर्च में आने लगी थी, उसके बाद में मैं चलने लगी थी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पैर फोल्ड भी नहीं होता था, कठा नहीं होता था पैर। हाँ जी, बैठा नहीं जाता था मेरे से। डॉक्टर ने कहा था इस मच्छी के पकौड़े वगैरह खिलाओ इसको, दवाइयाँ भी मेरी चलती रही थी 2 साल तक ऑपरेशन होने के बाद में भी। और डॉक्टर ने कहा था ग्रीस तो बिल्कुल ही खत्म हो गया इसके पैरों का, और नाड़ी थी जो मेरे पैरों की वो गुच्छा बन गई थी, मतलब चल नहीं पाती थी मैं बिल्कुल भी, सीधा नहीं होता था पैर, और मुड़ता भी नहीं था, बस अजीब इस तरह से ही हो गया था। फिर परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और सीढ़ियों से तो मैं नहीं जा सकती थी, ना ही जा सकती थी और ना ही आ सकती थी, अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ भी जाती हूँ और उतर भी जाती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। अभी पिछले हफ्ते हमारे पूरे परिवार को बुखार चढ़ गया था, और मेरे पति की तो प्लेटें भी घट गई थी, और बहुत सी बीमारियां बता, चिकनगुनिया बुखार भी हो गया था, और सभी को इसी को चढ़ रहा था, किसी को उतर रहा था। और बिशप जी से प्रार्थना कराई, पूरे घर से बीमारियां निकल गई। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया।